वेलकम टू PFAB पाकिस्तान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस ट्यूटोरियल के अंदर हम डेस्कटॉप पे कोई भी फाइल या किसी भी लोकेशन पर फाइल को सेव करना, सेव एज और डिफ़ॉल्ट सेव लोकेशन चेंज करना सीखेंगे। फाइल सेव करना, सेव एज करना या सेव लोकेशन चेंज करना, इस मकसद के लिए जो नई फाइल आप सेव करना चाहें उसको किस तरह से सेव करेंगे, उसके बाद सेव एज या सेव लोकेशन को चेंज कैसे करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कुछ टाइप करेंगे, कुछ टाइप करने के बाद अब इसे हम सेव करेंगे। यहाँ सेव का ऑप्शन आया और इस पे एंटर। यहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट में जो भी डॉक्यूमेंट है उसकी पहली लाइन के कुछ वर्ड आपको फाइल के नेम के तौर पर देगा। बैक स्पेस रेज करें और यहाँ पे नया फाइल का नाम देने के बाद अगर यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो ये डिफ़ॉल्ट लोकेशन यानी डॉक्यूमेंट में सेव हो जाएगी। एंटर प्रेस कर दें, अब आपकी ये फाइल डॉक्यूमेंट में सेव हो गई है। जाके तलाश करते हैं। डॉक वन के नाम से हमने सेव किया था और ये यहाँ पे सेव पड़ी है। इसको ओपन करें। वही फाइल जिसके अंदर हमने ये टेक्स्ट लिखा था, अब इसे सेव एज करेंगे। जो विंडो 7 के यूज़र हैं वो कंट्रोल एस से सेव की कमांड अप्लाई करेंगे और सेव एज के लिए F12 की कमांड अप्लाई करेंगे। हम यहाँ F12 प्रेस करेंगे। विंडो 8 या 10 के यूज़र भी ये कमांड अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कह रहा है सेव एज। सेव एज में वही नाम उसने दिया जो हम पहले यूज़ कर चुके हैं। यहाँ चेंज कर देते हैं। माई फाइल के नाम से सेव कर देते हैं इसे। सेव टाइप वर्ड डॉक्यूमेंट। ट्री व्यू में पहुंचने के बाद टैब टैब की मदद से यहां से लोकेशन आप चेंज कर सकते हैं। फर्द कर लोकल डिस्क डी में सेव करना चाह रहे हैं तो यहां पे हम एंटर प्रेस कर देंगे और इसके साथ ही ऑल्ट एस प्रेस कर देंगे। अब ये माई फाइल के नाम से डी ड्राइव में सेव हो चुकी है। जाके देखते हैं। ये पड़ी हुई है, इसको ओपन करके देखें। ये सेम वही फाइल है जो हमने डॉक्यूमेंट के अंदर से ओपन की थी या डॉक्यूमेंट में सेव की थी। अब डिफ़ॉल्ट सेव लोकेशन को चेंज कैसे करेंगे वो सीखते हैं। इसी के ऊपर हम कुछ मज़ीद टेक्स्ट लिख लेते हैं। न्यू टेक्स्ट लिखने के बाद हम इसको सेव करेंगे और इसकी लोकेशन को चेंज करेंगे। अगर यहाँ पे कंट्रोल एस करेंगे तो ये फाइल जो नया टेक्स्ट आपने लिखा है इसके अंदर सेव हो जाएगा और अगर इसे आप सेव एज करेंगे तो फिर ये आप इसकी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। इसलिए हम इसे सेव एज करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी सेव थी। अब यहाँ पे इसे चेंज भी कर सकते हैं। अब इसे हम इसी नाम से सेव करेंगे किसी और लोकेशन पे। शिफ्ट टैब की मदद से या टैब की मदद से ट्री व्यू में पहुंचेंगे। शिफ्ट टैब से ट्री व्यू ज़्यादा नज़दीक है जबकि टैब से ज़्यादा टैब करने पे ट्री व्यू की लिस्ट मिलेगी। यहाँ से हम
volume left there and default right there and close. Level 1. This PC opens 10 items. यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं. अगर आप किसी और ड्राइव में सेव करना चाहें तो डाउन एरो के साथ दूसरी ड्राइव चूज़ करके एंटर प्रेस करें और ऑल्ट एस प्रेस कर दें. अदरवाइज आप दिस पीसी को लेफ्ट एरो के साथ क्लोज करें. दिस पीसी क्लोज्ड 2 of 3. उसके बाद आप अप डाउन एरो के साथ किसी और लोकेशन पे सेव कर सकते हैं. व्हाट ड्राइव क्लोज्ड दिस पी नेटवर्क क्लोज्ड. ये वो फोल्डर हैं जो डेस्कटॉप पे पड़े हुए हैं. लेवल 1. व्हाट ड्राइव क्लोज्ड दिस पीसी क्लोज्ड. दिस पीसी को ओपन करते हैं. लोकल डिस्क लेफ्ट वीडियोस क्लोज्ड पिक्चर्स क्लोज्ड. ये दिस पीसी के वो तमाम फोल्डर हैं. म्यूजिक क्लोज्ड डाउनलोड्स डॉक्यूमेंट्स क्लोज्ड. जैसे डॉक्यूमेंट में हमने सेव करना है, डॉक्यूमेंट क्लोज है तो इसके ऊपर एंटर प्रेस कर दें और ऑल्ट एस से इसको सेव कर दें. अब आप जाके डॉक्यूमेंट में देखें, माय फाइल के नाम से ये फाइल मौजूद है. ओपन करके इसमें चेक करते हैं. सेम वही फाइल और वही टेक्स्ट जो हमने टाइप करके सेव किया. जी दोस्तों, आपने हमारा ये ट्यूटोरियल सुना. उम्मीद करते हैं आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा. अगर ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि हम आप लोगों के लिए तरतीब से ट्यूटोरियल मुख्तलिफ़ ऐप्स के ऊपर जॉ स्क्रीन रीडर के साथ तैयार कर रहे हैं. अगर आप इन ट्यूटोरियल की सीडी हासिल करना चाहते हैं या ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए. कंट्री कोड 92, सिटी कोड 051, नंबर है 2253775 या 2253803, व्हाट्सएप नंबर 03455335195, ईमेल एड्रेस pfab.station1@numeric1@gmail.com, वेबसाइट www.pfab.org.pk.